ये मैसेज उन पेशेंट्स के लिए है जिन्होंने हॉस्पिटल में सर्जरी कराने के लिए सेलेक्ट किया है। उनको तो पहले बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने हमारे पे ट्रस्ट किया। क्योंकि एक बहुत बड़ी बात है कि अगर आप हमें अपनी आईज़ पे काम करने का मौका देते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो इसलिए आपको बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इस लायक समझा कि हम आपके आईज़ की सर्जरी कर पाएँ और आपकी सेवा कर पाएँ। मेरा बस कुछ पॉइंट्स में मैं आपसे बात करना चाहूँगा। वो कहना चाहूँगा कि जब भी आप हॉस्पिटल में सर्जरी कराने आ रहे हैं, तो आप ध्यान रखिए कि आपकी आँख ऑपरेट होने जा रही है, और आई ऑपरेट होने में कोई हड़बड़ी किसी तरीके की कोई भी काम जल्दीबाजी में नहीं किया जाता है, क्योंकि पूरी ज़िंदगी का सवाल है ये। अगर आपकी आँख में हम सक्सेसफुली सर्जरी कर पाते हैं, अच्छी तरह से कर पाते हैं, तो आप ज़िंदगी भर उसको एन्जॉय करते हैं। कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम अगर डेवलप हो जाती है, तो वो आगे के लिए अच्छी नहीं हो सकती। तो इसलिए थोड़ा सा समय लेके आएँ, पेशेंस रखें। हॉस्पिटल में आप आते हैं, हॉस्पिटल आप स्टाफ आपके लिए कोई भी एक सर्जरी की तैयारी 24 घंटे पहले से कर रहा होता है। सारे लोग आपके लिए आपकी हेल्प के लिए हैं यहाँ पे। हो सकता है आपको लगे कि मेरे बात नहीं सुनी जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके लिए सारा काम ऑलरेडी पहले से हो रहा होता है, और सबको पता होता है कि हमें क्या काम करना है। तो जब आप हॉस्पिटल में आते हैं, तो आपको हॉस्पिटल वेलकम करता है, आपको एनरोल करता है, फिर उसके बाद एडमिशन्स के लिए वार्ड में भेजा जाता है। वहाँ पे एडमिट होते हैं, वहाँ पे आपको कुछ कंसेंट्स फॉर्म दिए जाते हैं, जो कि एक लीगल प्रोसेस है, जिसमें कि हम आपको जो भी इंफॉर्मेशन आपको देते हैं, उसके बारे में हम चाहते हैं कि आप हमें केवल ये सुनिश्चित कर लें कि आपको वो बात हमने बताई है कि नहीं बताई है। कंसेंट का मतलब लोग समझते हैं कि हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है, ऐसा नहीं है। हम पूरी तरह से ज़िम्मेदार हैं आपके ट्रीटमेंट के प्रोसेस में। कोई भी चीज़ जो हम करते, आपको जानकारी देना, तो बेसिक कंसेंट का मतलब है कि हमने आपको आँखों के बारे में, आपकी बीमारी के बारे में सारी जानकारियाँ दी हैं कि नहीं दी हैं। आपको ट्रीटमेंट के कई प्रोसेसेस होते हैं, उनके बारे में आपको बताया गया है कि नहीं बताया गया है। कभी कभी डिफरेंट लेंसेज ऑप्शंस में आते हैं, कभी किसी को लेंस, किसी आँख में कोई लेंस ज़्यादा बेटर है, कोई किसी आँख में दूसरा लेंस बेटर होता है, उसके बारे में हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि नहीं दी है। आपको कोई पर्दे का प्रॉब्लम है, आपको साथ में कोई और डिजीज़ अगर आँख में है, तो उसके बारे में आपको बताया है कि नहीं बताया है। ये बातें हमने आपको बताई हैं, इस बारे में केवल ये जानकारी है कि ये बातें आपको बताई गई हैं। ये बेसिकली कंसेंट का निचोड़ है। कंसेंट लेने के बाद आपको सिस्टर्स आपके साथ रहती हैं, वो आपको प्रिपेयर करती हैं, आपके वाइटल्स चेक किए जाते हैं, आपका ब्लड प्रेशर चेक किया रहता है, ब्लड शुगर अगर ज़रूरत होती है तो चेक किया जाता है, आपकी सारी रिपोर्ट्स चेक की जाती हैं। एक बार पूरा डिटेल्ड आई एग्जामिनेशन किया जाता है, क्योंकि सर्जरी, जब आपने सर्जरी के लिए सिलेक्शन डेट लिया था, उसके बाद आप जिस डे पे सर्जरी में आए कराने के लिए आप आए हैं, हो सकता है कुछ बदलाव ना हो, इसलिए एक बार फिर से पूरी आई का एग्जामिनेशन किया जाता है। और वो पहले ऑप्टोमेट्रिस्ट पैरामेडिकल स्टाफ करता है सिस्टर्स के साथ मिलके, उसके बाद फिर डॉक्टर फिर से दोबारा से एक बार चेक करते हैं। फिर आपको प्रिपेयर किया जाता है, आपकी ड्रेसेस चेंज की जाती हैं, क्योंकि बाहर के कपड़े हम अंदर थिएटर में नहीं ले जाते। आप ड्रेसेस चेंज करके फेस वॉश किया जाता है, आपका क्लीनिंग की जाती है, और फिर आपको ड्रेसअप करके फिर आप ऑपरेशन के लिए वेट करते हैं। ऑपरेशन में ज़्यादातर, क्योंकि सारी तैयारियां पहले से होती हैं, इसलिए ज़्यादातर 7 से 10 मिनट का समय लगता है। उसके बाद आप बाहर आते हैं, आपको जूसेस वगैरह दिए जाते हैं, थोड़ा देर टाइम रिलैक्स करने के लिए कहा जाता है, आईज़ बंद करके थोड़ी देर लेटें, और फिर फाइनली एक बार आपसे डॉक्टर या सिस्टर आपको पूरे बारे में, पोस्ट ऑपरेटिव के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं कि आपको कैसे दवाएं डालनी हैं, कौन कौन सी दवाएं देनी है, वो हॉस्पिटल ही आपको सारा प्रोवाइड करता है। तो सारी इन्फॉर्मेशंस के बारे को आपको प्रॉपर वे में कलेक्ट करना चाहिए। और ध्यान रखें एक चीज़ का और, कि जब भी आप हॉस्पिटल में आएँ, तो ये बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा लोग साथ में ना आएँ, एक या मैक्सिमम 2 लोग मैक्सिमम हॉस्पिटल में आएँ, क्योंकि हॉस्पिटल के ऊपर प्रेशर आता है, क्योंकि आई सर्जरी बहुत डेलिकेट सर्जरी है, और ये बहुत क्लीन एटमॉस्फेयर में की जाती है। नंबर ऑफ़ हेड्स अगर बढ़ते हैं, नंबर ऑफ़ पर्सन्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ़ फुटफॉल अगर हॉस्पिटल में बढ़ता है, तो उससे कंटामिनेशन आने के चांसेस होते हैं। अक्सर हम लोगों ने देखा है कि ओपीडी एरिया में अगर नंबर ऑफ़ पर्सन ज़्यादा हैं, या जो ऑपरेशन थिएटर का वेटिंग एरिया है, वहाँ पे अगर लोग ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसका असर ऑपरेशन थिएटर तक आता है, जिसके बारे में लोग सोच नहीं पाते, लेकिन ये सत्य है। तो इसलिए ज़्यादा लोग ना आए, एक आदमी या 2 आदमी रिस्पॉन्सिबल जो लोग हैं, जो पेशेंट्स के साथ रहने वाले हैं, वही लोग आएँ जिनसे कि हम उनको डायरेक्ट इंटरेक्ट कर पाएँ, उनसे उनको हम पूरी इन्फॉर्मेशन दे पाएँ। तो ये सारा प्रोसेस करने में करीब 3 से 4 घंटे का समय लगता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि साहब 5 मिनट का तो सर्जरी है, लेकिन हमें इतना टाइम क्यों लग रहा है। आपका प्रिपरेशन से लेके आपके डिस्चार्ज करने में बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जो शायद आपको जानकारी नहीं होती। डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं,
तो इस प्रोसेस में 3 से 4 घंटे का समय लगेगा। इस प्रिपरेशंस के साथ में आएँ और थोड़ा सा पेशेंस रखें, हम सब आपकी हेल्प के लिए और आपकी मदद के लिए ही हैं।